अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर तालाबों की पुनरुद्धार की योजना अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के गांव नहरा से वर्चुअल संवाद के माध्यम से किया। इस कड़ी में प्रिथला विधानसभा क्षेत्र के गांव लावलपुर में प्रिथला के विधायक व वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। देखिए पूरी खबर पलवल से हमारे पत्रकार योगेश शर्मा के साथ। पूरे प्रदेश में 111 जगह, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पानी जो जल है, जल ही जीवन है, जल को हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना है। तो आज प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की देखरेख में सोनीपत से 111 जगह पर ये जल सरोवर मिशन का जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ा मिशन है। और अगर ये कामयाब होता है तो हमारे आने वाली पीढ़ी को पानी आसानी से मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज हमारे प्रस्ताव विधानसभा के बीच में भी गढ़खेड़े में और अलावलपुर में 6 जोड़ अलावलपुर में और 1 जोड़ गढ़खेड़े में उनका सौंदर्यकरण करने के लिए जो पैसा मंजूर किया है, और जल्दी उन पर काम शुरू होंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज जोड़ों पर पूरी तरह से अतिक्रमण हो चुका है। जो 5 एकड़ की जोड़ है वो 2.5 एकड़ की रहेगी, जो 2 एकड़ की थी वो 1.5 एकड़ की रहेगी। तो इस तरह से मकान बना लिए गए हैं, और जब तक जोड़ों का सौंदर्यकरण नहीं होगा, इनकी खुदाई नहीं होगी, हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए पानी की पूर्ति नहीं होगी। तो आज एक बहुत बड़ा मिशन मेहमान है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। पत्रा क्षेत्र की जनता की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा मिशन लेकर के चल रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को पानी की पूर्ति हो सके। देखिए, ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कर चुके हैं, और उसके माध्यम से जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो भी हमारे गांव की समस्याएं हैं, गली मोहल्ले की समस्याएं हैं, उसको कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर अपलोड करके अपना आईडी और नाम दे के उसको जो है ना भेज सकता है, और वो निश्चित तौर पर मंजूर की जाती है। वो ग्राम दर्शन पोर्टल का फिर हमारे पास मैसेज आता है कि ये जो समस्या है वो वैलिड है, जस्टिफाई है, नॉन जस्टिफाई है, तो उनको हम जस्टिफाई करके भेज देते हैं और उनका काम शुरू हो जाता है। बिजली की समस्या ज़्यादा हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि 2 साल के कोरोना काल के बाद और यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद, मैं समझता हूँ कि कोयले की परेशानी से बिजली को लिए हमें थोड़ा सा जूझना पड़ा है। लेकिन 2 और 3 दिन तक, क्योंकि बाहर से जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके टेंडर ले लिए गए हैं और 1-2 दिन में टेंडर खुल जाएंगे। जो बिजली की पूर्ति, मैं समझता हूँ कि 10 मई से पहले बिजली की पूर्ति प्रदेश को मिल जाएगी।